स्टूडेंट्स वेलकम टू डी स्कूल लर्निंग। आज हम करेंगे नाउन पार्ट 6, लास्ट पार्ट है बेटे नाउन का। तो देखिए मैंने लिख दिया है पहले ही, ये कुछ कॉमन एरर्स हैं, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन्स, वो पेपर में देता है बेटे, एग्जाम में देता है। तो कुछ एरर्स हैं ये हमने देख लेनी है कि भाई क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट देखते हैं, इस साइड रॉन्ग है और इस साइड राइट है। हम लेते हैं हेयर, तो बेटा हेयर्स वो देगा आपको, हेयर्स नहीं होता, ये आपने देख लेना है, हेयर होता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, आप हेयर को गिन नहीं सकते, ठीक है। आप गिन सकते हो आपके सिर पे कितने हेयर हैं, कितने बाल हैं, नहीं गिन सकते आप, ठीक है। तो इसको हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में लेते हैं, इसलिए हेयर ही और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। काउंटेबल को हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल का हम प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसलिए हेयर होगा, हेयर्स नहीं होगा, हेयर्स हमारा रॉन्ग है, हेयर राइट है। हाँ, आप उस सेंस में कर सकते हैं कि भाई जैसे मान लो उसके सिर पर चार बाल जो है वो सफ़ेद हैं, अब चार बाल वो तो मैंने गिन लिए अलग से, ठीक है, तो फोर हेयर्स मैं कर दूंगा। लेकिन वैसे जनरल सेंस में हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितने भी अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं, जैसे आप आगे देखो एडवाइस, यहाँ एडवाइस हमारा अनकाउंटेबल वर्ड है, तो इसको भी मैं प्लूरल नहीं करूँगा। तो इसलिए मैनी एडवाइसेस नहीं होता, मच एडवाइस होगा। मैनी हमारा काउंटेबल वर्ड होता है और मच अनकाउंटेबल होता है। तो जब एडवाइस हमारा अनकाउंटेबल है तो इसके साथ मैं मच यूज करूंगा जो अनकाउंटेबल है, मैनी नहीं। मैनी तो काउंटेबल वर्ड लेगा अपने साथ, यानी कि प्लूरल वर्ड लेगा, तो मैनी एडवाइसेज प्लूरल करना पड़ेगा, नहीं होता, मच एडवाइस होगा। हाँ, मैं मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को मैनी से बनाना है इसको, एडवाइस को मैनी से बनाना है, तो फिर मैं ऑफ का सहारा लूंगा, ऑफ से उसको अलग करूंगा, मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस ये लिखूंगा फिर मैं, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस, लेकिन एडवाइस फिर भी मेरा सिंगुलर ही रहेगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसको प्लूरल नहीं करूंगा मैं एडवाइस को, ऑफ से बनाऊंगा तो मैं मैनी पीसीज पीसीज को प्लूरल करूंगा, एडवाइस को नहीं। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये भी हमारा अनकाउंटेबल है, इंफॉर्मेशन। वैकेशन, ये भी अनकाउंटेबल है, वैकेशंस नहीं होता, वैकेशन होता है, विंटर वैकेशन, समर वैकेशन, वैकेशन बोलेंगे, वैकेशंस नहीं बोलेंगे, वैकेशंस हमारा नाउन की एरर है, रॉन्ग हो जाता है। सीनरी, ये भी अनकाउंटेबल है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, सीनरीज नहीं, ठीक है। तो सीनरी हमारा अनकाउंटेबल है, इसको हम सीनरीज नहीं करेंगे। इसी तरीके से फर्नीचर है, ये भी हमारा अनकाउंटेबल वर्ड है, फर्नीचर, फर्नीचर्स वो आपको देगा, फर्नीचर्स नहीं करना है हमने, फर्नीचर करना है उस चीज़ को, इस बात का ध्यान रखना आपने, क्योंकि हमारा अनकाउंटेबल वर्ड है, ठीक है, फर्नीचर्स नहीं होता। ऑफस्प्रिंग, संतान के लिए यूज होता है ये, तो संतान के लिए जब यूज होगा तो प्लूरल नहीं करेंगे हम, संतान की सेंस में जब भी हम इसको यूज करेंगे तो ऑफस्प्रिंग करेंगे, ऑफस्प्रिंग्स नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट है, ठीक है। फिर देखते हैं आम, ये कोई वर्ड ही नहीं होता, आम, आम्स होता है खैरात, ठीक है, भीख कह लो, भिक्षा कह लो, खैरात कह लो। इसी तरीके से मील, मिड डे मील, मिड डे मील होता है, मील्स नहीं होता, ध्यान रखना है इस बात का। अब ये आता है हमारा, देखो 2 5 रुपीज नोट, इस तरीके से वो देगा, हमने ध्यान रखना है इस बात का, 2 5 रुपीज नहीं होता, 2 5 रुपी होता है, रुपी, ठीक है, क्योंकि जो आप प्लूरल कर रहे हो वो आप रुपी को प्लूरल नहीं कर रहे, वो आप नोट को प्लूरल कर रहे हो। भाई मेरे पास 5 5 के 2 नोट हैं, 2 नोट हैं या 2 नोट्स हैं, प्लूरल क्या है, 5 रुपए या नोट, प्लूरल क्या हुआ है भाई। 1 5 रुपए का मान लो मेरे पास ये नोट है, 1 5 रुपए का ये नोट है, तो नोट 2 हुए ना मेरे पास, रुपए तो 5 ही रहे हुए, हाँ टोटल मिला करके 10 हो गए, वो बात मान ली मैंने, लेकिन मैं नोट की बात कर रहा हूँ कि 5 रुपए के नोट 2 है मेरे पास, तो इसलिए जो नोट वर्ड है उसको प्लूरल करूंगा मैं, रुपीज को नहीं, ये बात ध्यान रखना है आपने, ठीक है, क्योंकि मैं 2 नोट मेरे पास है ना कि रुपीज, तो इसलिए 2 5 रुपीज नहीं, 2 5 रुपी फिर नोट्स, ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि नोट्स मेरे पास 2 हैं, नोट्स को मैंने प्लूरल, नोट्स वर्ड है जो उसको प्लूरल किया है, ना कि रुपी वर्ड को, ठीक है। फिर देखें दीज न्यूज, अब जो ये न्यूज होती है ये सिंगुलर होती है हमेशा, जो न्यूज वर्ड है ये मैंने आपको नाउन एंड नंबर में भी मैंने आपको बताया है पार्ट 3 में, कि जो न्यूज है वो सिंगुलर होती है, तो सिंगुलर के साथ दिस आएगा, दीज नहीं। इसी तरीके से वर्ड है वेजिटेबल्स,
और वेजिटेबल। देखो ये हमारा दोनों सेंस में यूज हो जाता है। अगर मैं जनरल बात करता हूँ कि आई इंजॉयड वेजिटेबल्स, तो आएगा वेजिटेबल्स, आई इंजॉयड वेजिटेबल्स, ठीक है। मैं किसी एक वेजिटेबल की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टमाटो इज अ वेजिटेबल, तो ठीक है टमाटो इज अ वेजिटेबल, ठीक है। बट टोमेटो एंड पोटैटो आर वेजिटेबल्स, तो उस सेंस में ये वेजिटेबल्स हो जाता है, टोमेटो एंड पोटैटो आर वेजिटेबल्स, क्योंकि मैं दो वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी सिंगल वेजिटेबल की बात कर रहा हूँ तो वो वेजिटेबल है। इसी तरीके से देखिए, ये एरर देता है लेटर्स में आपको, लेटर देता है, वो कहता है कंटेंट ऑफ लेटर, तो कंटेंट नहीं होता, कंटेंट्स होता है, किसी भी लेटर के कंटेंट्स होते हैं, कंटेंट नहीं होता, ठीक है। कंटेंट तो संतुष्टि के अर्थ में आ जाता है, संतुष्टि, तो यहाँ पर मैं संतुष्टि की बात नहीं कर रहा, उनके कंटेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो कंटेंट्स ऑफ लेटर। इसी तरीके से ये भी मैं आपको वहाँ बता के आ चुका हूँ नाउन एंड नंबर में, कैटल्स अपने आप में प्लूरल वर्ड है, तो इसका प्लूरल नहीं करते ऐसे लगा करके, ये अपने आप में ही प्लूरल वर्ड है, तो कैटल ही रहेगा, कैटल्स नहीं होगा। इसी तरीके से ये बता करके आ चुका हूँ, जो अब पेयर वाली चीज़ें होती हैं, ये बस मैंने वहाँ एक बार आपको रिमाइंड कराने के लिए लिख दिए हैं वर्ड, वहाँ भी मैं आपको बता चुका हूँ ये नाउन एंड नंबर में। सीजर, ये पेयर में चलती है बेटे, सीजर तो पेयर में चलेगी, तो प्लूरल यूज होगी, सीजर्स, सीजर नहीं, ट्राउजर नहीं होती, ट्राउजर्स होती है। इसी तरीके से टोंग नहीं होता, टोंग्स होता है, देखो चिमटा, ये भी पैर में चलता है, ट्राउजर भी पैर में चलती है, दो टांगे होती है, सीजर्स में भी इस तरीके से पैर बनता है, ठीक है। तो ये पैर में चलेंगी, इसलिए प्लूरल होंगी, सिंगुलर नहीं। तो ये थे बेटे कुछ कॉमन एरर्स नाउन के यूज में, जो मैंने आपको बता दिया, जनरल है, कॉमन है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंस की, कुछ वर्ड्स होते हैं सिंगुलर में उनका कुछ अलग मीनिंग होता है, प्लूरल में उनका अलग मीनिंग होता है। ऐसा नहीं है जैसे कि मैंने लिख दिया, वही मैंने लिख दिया बॉय, अब बॉय का मतलब क्या है, लड़का, अब मैंने इसका प्लूरल बनाया बॉयज, तो क्या मीनिंग बदल गया, नहीं बदला, ये भी तो लड़का ही रहा, वो अलग बात है कि बहुत सारे लड़के हो गए हैं, ठीक है, ये भी लड़का है तो ये भी लड़के, मतलब मीनिंग तो नहीं बदला इसका, केवल मैंने प्लूरल किया है। लेकिन कुछ ऐसी हमारी नाउन्स होती हैं जिनका प्लूरल में अलग मीनिंग होता है और सिंगुलर में अलग मीनिंग होता है, तो उनको देख लेते हैं कौन सी वो नाउन है प्लूरल और सिंगुलर में। जैसे यहाँ देखो, इश्यूज और इशू दो वर्ड हैं, डिफरेंस देखते हैं। पहले इशू को देखो, इशू जो है इसमें हमारी, इशू होती है एक वर्ब जिसका मतलब होता है जारी करना। जैसे मैं कहूँ वारंट, अ वारंट हैज बीन इशूड, ठीक है, वारंट को इशू किया गया, तो उस सेंस में तो जो है ये सिंगुलर भी हो जाएगा और प्लूरल भी हो जाएगा, ठीक है। अब एक नाउन के रूप में देखते हैं, नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है मुद्दा, ठीक है, तो मुद्दे के अर्थ में भी ये सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी हो जाएगा, ये मुद्दे हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि इशू का एक नाउन के रूप में मीनिंग होता है संतान, संतान के रूप में हम इशू को इशूज नहीं करते, और किसी भी सेंस में हो जाएगा, वर्ब में भी हो जाएगा, चाहे और किसी भी सेंस में हो जाएगा। लेकिन जब जहां पर इशू संतान के रूप में यूज हुआ है कि भाई उसकी तीन संतानें हैं, चार संतानें हैं, पांच संतानें हैं, तो वहां पर इशूज नहीं होगा, इशू ही रहेगा, ठीक है, संतान के रूप में प्लूरल नहीं होगा। जैसे यहां ऑफस्प्रिंग में था, मैंने आपको बताया था, जैसे ऑफस्प्रिंग में था, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑफस्प्रिंग रहेगा, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होगा संतान के रूप में, तो ऐसे ही इशू है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा अब्यूजेस और अब्यूज। अब अब्यूज तो आपको पता ही है, ये होते हैं स्वीयर वर्ड्स, यानी कि गालियां, अब्यूज गाली होती हैं ये। लेकिन अब्यूजेज जब मैं इसको प्लूरल कर देता हूँ तो फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाता है सोशल इविल, सामाजिक बुराइयाँ, कुरीतियाँ जो हमारी सोसाइटी में फैली हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ, बुराइयाँ हैं जो फैली हुई हैं, तो उनको हम अब्यूजेज कह देते हैं, ठीक है, और अब्यूज होता है हमारा गाली। नेक्स्ट आ जाएं वर्क और वर्क्स। अब वर्क होता है प्लूरल, ये नहीं है कि भाई वर्क होगा काम, इसका प्लूरल कर दिया मैंने वर्क्स तो ये बहुत सारे काम हो गए, ऐसा नहीं है, मीनिंग चेंज हो गया प्लूरल करते ही, ये तो हो गया हमारा काम, जैसे मैंने कहा कि आई हैव मच वर्क टू डू, बहुत सारा काम है करने को। लेकिन वर्क्स होती हैं रचनाएं, जैसे कि हमारे जो राइटर होते हैं, पोएट होते हैं, इनकी जो रचनाएं होती हैं अलग अलग, जैसे शेक्सपियर ने प्लेज भी लिखे हैं, ड्रामा, कुछ ड्रामा भी लिखे हैं, तो वो उसकी रचनाएं हैं, ठीक है, तो बहुत सारी उसने रचनाएं लिखी हैं, ये हो गया सिंपल हमारा काम। अब आ जाते हैं रिच और रिचेज। रिच ये तो एडजेक्टिव है हमारा, अमीर, ठीक है, और
अपोजिट क्या होगा इसका, गरीब पुअर, ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन अगर मैं इसका प्लूरल कर दूँ रिचिज तो ये बन जाती है लक्ष्मी, धन संपदा, मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है, ये बात आपका ध्यान रखना है। तो आपने देख लेना है कि सेंटेंस में मैं अगर धन संपदा का जिक्र कर रहा हूँ तो वहाँ रिचिज आएगा, अगर मैं अमीर का जिक्र कर रहा हूँ तो वो रिच आएगा। इसलिए मैंने आपको डिफरेंस बताया है ताकि कन्फ्यूज ना रहें आप एग्जाम में लिखते वक्त, आपको पता हो कि अगर मैंने इसको प्लूरल कर दिया तो इसका क्या मीनिंग है, सिंगुलर कर दिया तो इसका क्या मीनिंग है। इसी तरीके से पेन और पेंस, अब पेन ये तो होता है दुख, दर्द, ठीक है, पेन हो गया, चोट लग गई, पेन हो गया, दुख हुआ, दर्द हुआ, लेकिन पेंस, पेंस होते हैं बेटे एफर्ट्स, ठीक है, जैसे एग्जाम के लिए आपके एग्जाम आ रहे हैं तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए काफ़ी पेंस ले रहे हैं, पेन नहीं ले रहे, दुख दर्द नहीं ले रहे, ठीक है, उसकी तैयारी के लिए आप पेंस ले रहे हैं, यानी कि एफर्ट कर रहे हैं उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस देख लेना है पेन में और पेंस में। नेक्स्ट आता है स्पेक्टेकल और स्पेक्टेकल्स। अब ये स्पेक्टेकल ये तो सीनरी के टाइप में आएगा, सीनरी है, कोई भी दृश्य है, नज़ारा है, ठीक है, नज़ारे की सेंस में स्पेक्टेकल होता है, लेकिन स्पेक्टेकल्स हो जाता है आई ग्लासेज, चश्मे, स्पेक्टेकल्स, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सिंगुलर है तो उसका मतलब नजारा, दृश्य, सीनरी, और अगर वो प्लूरल हो गया तो आई ग्लासेज। नेक्स्ट है सम्मन और सम्मन्स। सम्मन एक वर्ब होता है, वर्ब के तौर पर हम इसको यूज करते हैं, सम्मन्स होते हैं, सम्मन्स हमारी जो है ये सम्मन हमारी वर्ब होती है, और जब मैंने इसमें एस लगा दिया तो ये नाउन बन जाती है, सिंगुलर नाउन, सम्मन्स। इसका प्लूरल बनाएंगे तो ई एस लग करके बन जाएगा सम्मन्स। तो सम्मन होती है हमारी सिंगुलर नाउन, सम्मन्स। ये क्या होते हैं, सम्मन्स कोर्ट के ऑर्डर होते हैं बेटे, कोर्ट का आदेश होता है, कोर्ट का बुलावा होता है, ये जब वो किसी को आदेश भेजती है, बुलावा भेजती है, तो सम्मन्स जारी करती है कोर्ट, ठीक है। और खाली अगर सम्मन है वो तो वर्ब है, ठीक है, उसका मतलब होता है सम्मन का टू गैदर, किसी चीज़ को गैदर करना, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ही सम्मन्ड हिज पावर, उसने अपनी पावर को सम्मन किया, गैदर किया, इकट्ठा किया। नेक्स्ट देखो आयरन और आयरन्स। आयरन तो सिंपल हमारी मेटल है, कोई भी एक लोहा है, ठीक है, और आयरन्स होती हैं चेन्स, बेड़ियाँ, ठीक है, बेड़ियाँ या चेन्स को हम कह देते हैं आयरन्स। जैसे मैं कहूँ द प्रिजनर वाज इन आयरन्स और आयरन, आयरन्स में था वो या आयरन में था, अब आयरन में तो होगा नहीं, आयरन्स में था, यानी कि उसको बेड़ियाँ लगी हुई थी। नेक्स्ट है एयर्स और एयर। अब एयर तो आपको पता है तो सिंपली हवा होती है, एयर्स होता है किसी भी चीज़ का दिखावा या शो ऑफ, ठीक है। जैसे मैं कहूँ शी गिव्स हरसेल्फ एयर्स, वो अपने आप को क्या देती है, हवा देती है, हवा देना, उस सेंस में ये यूज हो जाता है, दिखावा करना, दिखावा करने की सेंस में एयर्स होता है, और वैसे सिंपल एयर क्या होती है, हमारी हवा होती है। इसी तरीके से वुड और वुड्स, ये तो पता है सिंपल लकड़ी है, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी की बनी हुई है टेबल, ठीक है, लेकिन जो वुड्स होता है वो हो जाता है हमारा फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है, वन, फॉरेस्ट की सेंस में, प्लूरल करते ही मीनिंग बदल गया इसका, वुड्स करते ही इसका मीनिंग हो गया फॉरेस्ट। नेक्स्ट है सैंड एंड सैंड्स। अब सैंड होता है हमारा रेत, ये तो पता ही है, और सैंड्स हो गया डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान, मरुस्थल, यहाँ भी प्लूरल करते ही इसका मीनिंग चेंज हो गया, रेगिस्तान बन गया ये यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से फ्रूट और फ्रूट्स। अब फल की सेंस में तो मैं इसको प्लूरल कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे मैं कहूँ एन एप्पल इज ए फ्रूट, ठीक है, तो ये तो एक फ्रूट हो गया, तो मैं कहूँ एप्पल एंड गुवावा आर फ्रूट्स, प्लूरल कर दिया, ये तो खाने वाला फल है, लेकिन एक फल हमारा परिणाम भी तो होता है, रिजल्ट भी तो होता है एक फल हमारा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ फ्रूट्स ऑफ लेबर, मेहनत का फल, मेहनत का परिणाम, तो जहाँ पर परिणाम की मैं बात करूँगा, रिजल्ट की मैं बात करूँगा, वहाँ मैं इसको प्लूरल कर दूंगा, फ्रूट्स आएगा वहाँ पर, फिर वहाँ पर फ्रूट यूज़ नहीं करेंगे हम, वहाँ पर फ्रूट्स करेंगे, ठीक है, रिजल्ट की सेंस में। ही इंजॉयड द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, तो फ्रूट्स आएगा। लास्ट हमारा आ जाता है ऑर्डर एंड ऑर्डर्स। तो ऑर्डर जनरल सेंस में ये कोई भी दे सकता है, जैसे मैंने कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया और जो है दुकान से कुछ आइटम्स मंगा लिए, फर्नीचर मंगा लिया, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने ऑर्डर दे दिया। लेकिन ऑफिशियल ऑर्डर्स जब भी आते हैं, जब ऑफिशियल सेंस में वो रिलीज होगा, कोई मैजिस्ट्रेट देगा उसको, तो वहाँ पर फिर मैं ऑर्डर्स यूज़ करूँगा, प्लूरल सेंस में यूज़ करूँगा ऑर्डर्स, ऑर्डर नहीं। तो ये डिफरेंस थे बेटे, क्लियर हो गए हुए आपको ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो नाउन का लास्ट पार्ट था, इसी के साथ हमारी नाउन खत्म होती है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
थैंक यू वेरी मच।